अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं firstbite.tv। आइए रुख करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की ओर। गाजापट्टी के अस्पताल पर बम धमाका, 500 लोगों की मौत। अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड से टक्कर। सिक्किम बाढ़ में अब तक 40 की मौत। आपदा के 14 दिन बाद भी 76 लोग लापता। अडानी ने किया 32,000 करोड़ का घोटाला, इससे बढ़ रहा है बिजली का बिल। केरल कोट्टयम जिले में पलटी बस, कई श्रद्धालु घायल। अब खबरें विस्तार से। इसराइल और हमास के बीच युद्ध 12वें दिन भी जारी है। अब तक इसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच मंगलवार देर रात गाजा के सिटी अस्पताल में बम गिरने से करीब 500 लोगों की मौत हो गई। हमास ने दावा किया कि इसराइल सेना ने बम धमाका किया है। इसराइली सेना ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वर्ल्ड कप 2023 में बुधवार को अफगानिस्तान की टक्कर न्यूजीलैंड से होगी। ये मुकाबला चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले मैच में अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराया था। अब उसके पास पिछले विश्व कप की रनअप न्यूजीलैंड के खिलाफ उलटफेर का मौका है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम जीत का चौका लगाकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी। सिक्किम में ग्लेशियर झील के टूटने से आई तबाही में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई। 4 अक्टूबर को आई आपदा के 2 हफ्ते बाद भी 76 लोग अभी भी लापता है। सिक्किम में 4 अक्टूबर को बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। इसमें 88,000 लोग प्रभावित हुए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। कोयले के कारोबार में बड़ा घोटाला हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लंदन के अखबार के हवाले से खबर है। यही कारण है कि बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। केरल के कोट्टयम जिले में आज सुबह हुई बस दुर्घटना में सबरीमाला मंदिर जा रहे 13 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस एरुमेली के पास कनामाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 43 लोग सवार थे जिसमें 40 श्रद्धालु थे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv।